हाँ, करीबन 30 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। क्या आप नाम बता सकते हो? हाँ, कुछ का बता दूंगा। बता दीजिए एक बार नाम। के है बजरंगी बाजार, लव आजकल, कच्चे धागे, दिल्ली चलो, जब भी मेट, मनोरमा, चाणक्य एक्सप्रेस, गोपी चंद, साउथ की फिल्में भी है। हाँ दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, यानी मैं जिस जगह के ऊपर हूँ, जिस गांव के अंदर हूँ, इस गांव के हर एक कोने के अंदर जो है वो फिल्मों की शूटिंग होती है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर, आप मेरे पीछे जो रोड देख सकते हो, ये इस गांव की मेन रोड है, और ये जहाँ से स्टार्ट होती है और जहाँ पर एंड होती है, उसके बीच में जितने भी जो शूटिंग पॉइंट है उस वीडियो के अंदर दिखाए थे। लेकिन आज का जो वीडियो है वो भी उसी से रिलेटेड है। उस वीडियो के अंदर मैंने ये जो मेन रोड है वो दिखाई थी, और आज जो है मैं इस मेन रोड के अंदर जो रास्ते जाते हैं उसको कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो, तो ये तो मेन रोड हो गई, और उसके पीछे अभी एक इधर की साइड एक रोड जा रही है। तो आज मैं इस रोड को कवर करने वाला हूँ, और आपको मैं बताऊँगा कि इस रोड के अंदर अपन जैसे जैसे जाएंगे, मतलब 5 कदम 10 कदम अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो फिल्मों की जो शूटिंग है वो आती जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आज मैं आया कहाँ पर हूँ। तो मैं अभी हूँ राजस्थान के अंदर, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है मंडावा, और उसी गांव के मेन मार्केट के अंदर मैं हूं। और उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी इसी का एक पार्ट है। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये वाली वो मेन रोड थी जो मैं लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो इस मेन रोड से जो है वो एक जो रास्ता है वो अंदर की साइड जा रहा है। तो अभी मैं जैसे जैसे 5 से 10 कदम चलूँगा, वैसे वैसे यहाँ पर जो है वो फिल्मों की शूटिंग आती चली जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो सबसे पहली जो मूवी है वो अभी थोड़े दिन बाद आने वाली है, एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक मूवी थी बोले चूड़िया, उसका एक गाना था रह है गुजर, उसकी शूटिंग इस वाली जगह के ऊपर हुई। जैसे ही जो वीडियो स्टार्ट होता है, मतलब जो रह है गुजर वाला जो गाना स्टार्ट होता है, तो नवाज भाई जो सबसे पहले बाइक का एक सीन दिखाया जाता है, वो वाला जो सीन है वो इसी जगह के ऊपर शूट करा गया था, जिसमें आपको ये वाली जो दुकान है वो दिखती है, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको जो खंभा दिख रहा होगा वो भी आपको दिखता है। तो आप मैच करके देख लीजिएगा। तो चलिए अभी चलते हैं आगे की साइड। और ये जो गांव है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और उसकी जो गलियां हैं वो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो अभी जैसे जैसे मैं 5 से 10 कदम देखो, इसे कहते हैं संस्कार, परंपरा, जो है वो आगे जाऊंगा, तो यहाँ पर जो है वो शूटिंग लोकेशन आ जाएगी। और अभी जिस एरिया के अंदर मैं घूम रहा हूँ वहाँ पर सबसे ज़्यादा होटलें हैं और हवेलियाँ हैं। पहले बेसिकली हवेलियाँ ही थी, बाद में उनको होटल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी खूबसूरत यहाँ पर हवेलियाँ हैं। और आप देख सकते हो ये होटल राधिका हवेली कितनी प्यारी लग रही है। तो वापस आते हैं बैक टू पॉइंट। तो आप देख सकते हो इस वाली जगह के ऊपर जो है वो एक साउथ की मूवी थी एक्शन करके, उसकी शूटिंग हुई थी, जहाँ पर लास्ट में जब भी वो विलन के पीछे भागते हैं तो जिन गलियों को दिखाया जाता है वो यही गलियाँ होती हैं। और इन गलियों के जो अंदर है वो सिर्फ एक मूवी ही शूट नहीं हुई है, इन गलियों के अंदर जो है ढेर सारी मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है। जैसे साउथ की एक्शन मूवी हो गई, उसके अलावा साउथ की एक गोपीचंद चाणक्य मूवी हो गई, और अगर अपन थोड़ा सा यहाँ पर आगे चलेंगे तो वहाँ पर भी एक शूटिंग लोकेशन आ जाएगी। और इधर जैसे जैसे अपन आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो शूटिंग लोकेशन आती जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला कॉर्नर दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि ये थोड़ा नज़दीक ही है, तो अपन इसको भी कवर करते हुए चलते हैं। तो आपने एक सीन के अंदर देखा होगा, 2-3 गाड़ियाँ आपस में भिड़ती हैं, तो वो वाले जो सीन है वो यहाँ पर शूट करे गए थे। और बताना चाहूँगा ये पूरी की पूरी जितनी भी जो गलियाँ हैं, हर एक गली के अंदर जो है कुछ ना कुछ शूट हुआ है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो सामने बच्चे कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाली जगह के ऊपर जो है वो गाड़ियाँ है वो टकराती है। आपको ये वाला जो पेड़ है वो भी देखने को मिलता है। थोड़ा पीछे से व्यू लिया गया था लेकिन मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। तो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर जो सीन आ रहा है वो वाला जो सीन है वो इसी जगह के ऊपर शूट करा गया था। तो चलिए अभी वापस चलते हैं आगे की साइड। बताना चाहूँगा यहाँ पर अगर अपन इस वाली गली के अंदर भी जाएंगे तो भी फिल्मों की शूटिंग आएगी। इधर की साइड की जो गली है उसमें जाएंगे तो भी फिल्म की शूटिंग आएगी। मतलब हर एक गली के अंदर जो है वो फिल्मों की शूटिंग आएगी ही आएगी। इसीलिए इस गांव को जो है वो बहुत से जो लोग हैं अभी फिल्म सिटी भी बोलने लगे हैं, क्योंकि यार ऐसी कोई गली नहीं बची है जिसमें शूटिंग ना हुई हो। और मैं अभी आपको दिखाता चलूँगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, वरना आप बोलोगे क्या हवा में फेंके जा रहा है। तो आप ये वाली गली देख लीजिए, मैं साइड बाय साइड यहाँ पर सीन लगाता चलूँगा ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। और इस वाली गली के अंदर आई थिंक 3 से 4 जो मूवीज़ हैं उसके जो फाइट सीन है वो शूट करे गए थे, जिसमें एक भोजपुरी मूवी भी थी जिसका नाम था दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2। उसके अलावा 2-3 साउथ की मूवी थी और एक जो ब्लॉकबस्टर मूवी थी बजरंगी भाईजान, उसका भी एक जो सीन है वो यहाँ पर शूट करा गया था, जिसमें जो चांद नवाब का जो दोस्त होता है उसके पीछे जो पुलिस भागती है तो वो वाला जो सीन है वो इसी जगह के ऊपर शूट करा गया था। आप यहाँ पर सीन टू सीन मैच करके देख सकते हो। उसमें 2-3 एंगल से सीन दिखाए गए थे। एक जो एंगल है वो यहाँ से कुछ ऐसे दिखाया गया था और फिर एक पीछे से दिखाया गया था जिसमें आपको ये वाली जो दीवार है वो देखने को मिलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ही खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पर आपको हवेलियाँ देखने को मिलेगी। फिर इस वाले पॉइंट के ऊपर जो है यहाँ पर भी काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला छत दिखा देता हूँ। इस वाली छत के ऊपर जो है एक्शन मूवी का एक जो सीन है वो शूट करा गया था, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, जिसमें जो विलन होता है उसकी गाड़ी यहाँ पर रुकती है और उस हीरो को यहाँ पर दिखाया जाता है सामने की साइड से। और इस वाली जगह के ऊपर जो है वो बजरंगी भाईजान का भी एक जो सीन है वो शूट करा गया था, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, आप यहाँ पर मैच करके देख सकते हो। और इसी जगह के ऊपर गोपीचंद चाणक्य मूवी के भी जो कुछ जो सीन है वो शूट करे गए थे और एक्शन मूवी के भी कुछ जो सीन है वो शूट करे गए थे, तो आप देख लीजिए। फिर अगर अपन ये जो छोटी सी गली आप देख सकते हो, अगर मैं इस छोटी सी गली के अंदर भी जाऊंगा ना तो भी फिल्मों की शूटिंग आएगी। मतलब इस गांव के हर एक कोने के अंदर जो है वो फिल्मों की शूटिंग हुई हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ही खूबसूरत हवेलियाँ यार यहाँ पर हैं। और ये वाला जो पॉइंट अभी आप देख सकते हो, ये वाला पॉइंट तो आई थिंक मेरी आधे से ज़्यादा जो ऑडियंस है उनको मालूम ही होगा, और जो मेरी ऑडियंस नहीं है जो दूसरी जगह से आई है उनको भी मालूम ही होगा। ये वाला वही पॉइंट है जहाँ पर 2 सुपरहिट मूवीज़ बजरंगी भाईजान और पीके मूवी का जो सुपरहिट जो सीन है वो शूट करा गया था। इसी जगह के ऊपर जो पीके को जो है वो भैरव सिंह ठोकते हैं और इसी जगह के ऊपर जो है बजरंगी भाईजान मूवी के अंदर जो है पुलिस वाले अपना बजरंगी को पकड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर अभी 3 गलियाँ जा रही हैं। एक इधर की साइड जा रही है, फिर एक सामने की साइड जा रही है, फिर इधर एक लेफ्ट साइड में जा रही है। तो अगर मैं तीनों गलियों में से कोई भी एक गली पकड़ूंगा तो उसमें जो है वो शूटिंग लोकेशन आएगी आएगी। तो पहले बताया जाए कौन सी साइड चले, तो सबसे पहले मैं आपको बजरंगी भाईजान वाला और जो पीके वाला जो सीन है वो दिखा देता हूँ परफेक्ट तरीके से कौन से वे में उन्होंने शूट करा गया था। अब इतना दूर आ गया हूँ तो ये चीज़ भी बता ही देता हूँ। तो इस वाली गली के अंदर जो है वो
जो एक पंजाबी सॉन्ग था लारे, उसकी शूटिंग हुई थी। आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो सीन आ रहा है वो इसी गली के अंदर से लिया गया था। और इतना आगे आ ही गया हूँ तो ये भी बता देता हूँ, तो एक्शन मूवी के अंदर लास्ट में जब भी जो हीरो होता है वो एक हवेली के अंदर, मतलब एक घर के अंदर आग लग जाती है और उसके बाद एक हवेली से बाहर निकलते हुए का जो सीन है वो दिखाया जाता है। देख सकते हो उस सीन के अंदर जो है वो यहाँ से जो हीरो है वो नीचे उतरते हैं। आप यहाँ पर गेट मैच करके देख सकते हो, और जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा वैसे वैसे यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग आ जाएगी, लेकिन वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अपन इस गली को यहीं तक रखते हैं और अपन इधर की गलियों को देख लेते हैं, वरना आप बोलोगे कि यार इतना लंबा वीडियो बना दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाली जगह के ऊपर जो है वो बजरंगी भाईजान के अंदर सलमान भाई को पुलिस वाले पकड़ते हैं। पेड़ भर गया ना मन। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो सीन आ रहा होगा वो इसी जगह के ऊपर शूट करा गया था। और यहाँ पर आप देख लीजिए एक क्लोजअप शॉट के अंदर जो है आपको ये वाली जो खिड़िया वगैरह है वो भी देखने को मिलती है। और इसी जगह के ऊपर जो है वो भैरव सिंह यानी संजय दत्त आमिर खान को ठोकते हैं अपने ट्रक से। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, और ये जो सामने वाली जो हवेली आप देख सकते हो इसकी छत के ऊपर जो है वो गोपीचंद चाणक्य मूवी की शूटिंग हुई थी। तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाली छत के ऊपर जो है गोपीचंद चाणक्य मूवी का अभी ये वाला जो सीन है वो शूट करा गया था, जिसमें जो है जो हमारे जो गोपी भैया हैं वो एक झंडा जैसा कुछ तो लगा हुआ होता है उसको पकड़ के नीचे उतरते हैं। तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो सीन आ रहा है वो आप देख लीजिए। और फिर यहाँ पर जो है इस वाली जगह के ऊपर जो है वो आमिर खान गिरते हैं, और आपको बैकग्राउंड में ये वाली जो चीज़ें वो देखने को मिलती हैं। यार मेरे साथ हमेशा का यही है कि जब भी आप वीडियो बनाने जाओ उस टाइम पर सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ आती ही आती हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये वाली वो गली हो गई। तो अभी अपन इस वाली गली को थोड़ा सा पेंडिंग रखते हैं, और अगर मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा तो भी यहाँ पर जो है वो फिल्मों की शूटिंग आएगी ही आएगी। तो अपन इस वाली गली को भी एक बार छोड़ते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अपन इस वाली गली को पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा इस वाली जगह के ऊपर आप देख सकते हो इस वाली जगह के ऊपर जो है वो गोपीचंद चाणक्य और एक्शन दोनों मूवी के जो है वो फाइट वाले जो सीन है वो शूट किए करे गए थे। तो आप देख लीजिए अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे। और फिर अगर मैं इधर से दिखाऊं तो इधर की साइड भी जो है वो सबसे पहले आप एक्शन मूवी का एक सीन देख लीजिए, ये वाला जो सीन अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है वो इसी जगह के ऊपर शूट करा गया था। इसी जगह के ऊपर जो गाड़ियां हैं वो भिड़ती हैं, और इसी जगह के ऊपर जो है वो गोपीचंद चाणक्य की मूवी का भी जो सीन है वो शूट करा गया था। और इसी जगह के ऊपर जो है वो एक भोजपुरी मूवी थी दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2, वो भी शूट करी गई थी। तो आप देख सकते हो ये वाला जो एरिया है इसके अंदर ही कम से कम 10 मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी होगी। और फिर मैं अगर जैसे इधर चलूँगा तो इधर तो 10-15 और आ जाएगी। तो आप देख सकते हो एक वीडियो के अंदर मैं आपको 20 से 25 शूटिंग लोकेशन दिखा रहा हूँ, क्या ही कमाल हो रजत भाई आप। तो इसी बात के ऊपर वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप देख सकते हो इस वाली जगह के ऊपर जो है वो फाइट होती है। फिर एक जो सीन दिखाया जाता है एक्शन मूवी के अंदर जिसमें जो लास्ट में जो गाड़ी जहाँ पर टकराती है वो वाला जो सीन है वो इस वाली जगह के ऊपर शूट करा गया था, जिसमें जो गाड़ी है वो इस वाली दीवार के साथ जाके टकराती है। फिर वो जो विलन होता है उसको इसी जगह के ऊपर लगती है, और फिर हमारे जो हीरो जो होते हैं वो यहाँ पर जो गाड़ी है वो लेके चले जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाली वो लोकेशन होती है। और इसी जगह के ऊपर गोपीचंद चाणक्य की मूवी के भी जो सीन है वो शूट करे गए थे, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे, आप देख लीजिएगा। और फिर जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा
तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सामने वाली जो जगह है इसके ऊपर पीके मूवी का जो गाना था ठर की छो करो आयो रे बन के महारो मेहमान, उसके जो सीन है वो शूट करे गए थे। और आपने देखे होंगे वो जो गाना स्टार्ट होता है तो उसमें लापता करके पीके के पोस्टर लगे हुए होते हैं, तो वो वाले जो पोस्टर है वो यहाँ पर कुछ ऐसे लगे हुए होते हैं, फिर जो कैमरा है वो कुछ ऐसे जाता है और ये सामने वाली जगह के ऊपर जो है वो लोग डांस करते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिएगा और इस वाली जगह के ऊपर अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, यहाँ पर जो है ये वाला जो सीन अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये वाला जो सीन है वो शूट कराया गया था और ये वाला मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा दिखा रहा हूँ। और आप देख सकते हो ये वाली जो जगह है अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, इस वाली जगह के अंदर जब भी जो बजरंगी भाईजान मूवी के अंदर जो सलमान खान जो होते हैं वो इंटर होते हैं, यार ये गाड़ियाँ मेरे को चैन नहीं आने देगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो सामने वाला जो एरिया है इसके अंदर बजरंगी भाईजान मूवी के अंदर जो सलमान भाई जब भी पाकिस्तान के अंदर इंटर होते हैं तो सबसे पहले जिस जगह के ऊपर जो पराठा खाते हैं वो यही जगह होती है। सब सीन तो मैं आपको मैच करके नहीं दिखाऊंगा, तो आप ये वाला सीन देख लीजिए, यहाँ सामने ही एक जो नल है वो लगाया गया था जिसमें जो है वो लोग हाथ धोते हैं, और ये पूरी की पूरी लोकेशन है। और अगर मैं जो लोकेशन आपको बता रहा हूँ अगर आपको इनके डिटेल वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल के ऊपर विजिट करके देख लीजिएगा। और अगर बात करूँ इसी जगह के ऊपर यहाँ पर ये जो नीम का जो पेड़ है इसके नीचे से जो है वो हाफ गर्लफ्रेंड मूवी के अंदर जो है एक गाना था अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, वो वाला जो गाना है वो भी इसी जगह के ऊपर शूट करा गया था जिसमें जो है अर्जुन कपूर जो है वो श्रद्धा कपूर को साइकिल के ऊपर बैठा के लेके आते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और इसी जगह के ऊपर यहाँ पर ये जो सर्कल बना हुआ है अभी मैंने आपको पीछे जो पंजाबी सॉन्ग बताया था लारे करके उसका भी कुछ जो लास्ट वाले जो पार्ट है जहाँ पर जो कांच के ऊपर वो डांस करती है लेडीज़, तो वो वाले जो सीन है वो इसी जगह के ऊपर शूट करे गए थे, तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर सीन आ गया होगा, आप मैच करके देख लीजिएगा। और अभी आप ये सामने वाली जो हवेली देख सकते हो, इस वाली हवेली के अंदर जो है वो कच्चे धागे मूवी की शूटिंग हुई थी, और कच्चे धागे मूवी के अंदर जो है जो सैफ अली खान जो है वो एक गाड़ी को चलाते हुए आते हैं, तो वो वाली जो गाड़ी है वो यहीं से आती है और फिर इस वाली जगह के ऊपर रुकती है और जो सैफ अली खान जो होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, तो ये वाली जो सीन है वो यहाँ पर शूट करे गए थे। और अभी सामने एक अंकल बैठे हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ और आपको लाइव उनके मुंह से बतवाऊंगा मैं, मतलब उनके मुंह से वो हमें बताएंगे कि यहाँ पर कितने मूवीज़ की जो शूटिंग है वो हुई है, तो चलिए बात करके देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं याद कर लेता हूँ कि यहाँ पर कुछ और तो नहीं छूटा, हाँ एक चीज़ और रह गई वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जब भी जो ठहर की छोकर वाला जो गाना है वो लास्ट में ख़त्म होता है तो जो आमिर खान के जो पीछे जो लोग हैं वो तलवार लेके भागते हैं, तो उनको संजय दत्त जिस जगह के ऊपर बचाते हैं वो ये वाला कॉर्नर होता है, इसी जगह के ऊपर वो लोग खड़े रहते हैं। और इस वाली गली के अंदर से जो है वो आमिर खान भाग के आते हैं, तो अपन आज इसी वीडियो के अंदर इस वाली गली को भी थोड़ा सा आगे तक कवर कर लेंगे जिसमें दो तीन मूवीज़ और आ जाएगी, उससे पहले अपन बात कर लेते हैं इन अंकल से। तो दोस्तों अभी हमें ये अंकल मिले, तो अंकल आप सबसे पहले तो आप आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम किशोर थलिया है, मंडावा है, ये हवेली का चौक में खड़े हैं। आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हो? यहाँ हम करीबन 35 साल से हम रह रहे हैं। और ये हवेली आप ही की है? जी हमारी। अच्छा, तो अंकल 35 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब एक भी जो फिल्म की जो शूटिंग है वो ऐसी नहीं होगी जो अंकल ने नहीं देखी होगी। तो सबसे पहले अंकल ये बता दीजिए कि यहाँ पर मतलब इस वाले पॉइंट के ऊपर आज तक कितनी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है? यहाँ करीबन 30 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। क्या आप नाम बता सकते हो? हाँ कुछ का बता दूंगा। बता दीजिए एक बार नाम। के है बजरंगे बजरंग लव आजकल कच्चे धागे दिल्ली चलो जब भी मैट मनोरमा चाणक्य एक्सप्रेस गोपी चंद साउथ की फिल्म भी है। हाँ खूब फिल्में हुई हैं। अच्छा खूब फिल्म हुई है। देखो कि अभी इतनी 30 फिल्मों के नाम याद रखने तो खूब ही फिल्मों गानों के एल्बम बन गए हैं। जैसे मुसाफिर है कोरोलामान का, ये अपना गला एक उसको क्या नाम है लारे लारे है नामार है दूजा प्यार है
ये सब गाने के एल्बम भी यहीं बने हैं। और अभी मैं ये मतलब इन लोगों से बात कर रहा था तो उन्होंने मेरे को लेटेस्ट एक वीडियो दिखाया और उन्होंने बताया कि अभी 2 दिन पहले भी यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग हुई थी और 2 दिन पहले ही एक राजस्थानी गाना जो है अभी उन्होंने रिलीज़ करा था। जी, जी, जी। तो बताना चाहूँगा कि इस वाली जगह के ऊपर आप देख सकते हो, ये वाली जो जगह है, इस वाली जगह के ऊपर, इस वाले एरिया के अंदर, इस वाले गाँव के अंदर जो है वो मतलब हमेशा फिल्मों की शूटिंग चलती ही रहती है। तो चलिए अब अपना जो वीडियो है अपन उसको कंटिन्यू रखते हैं और मैं आपको ये वाली जो आगे जो वाली जो गली है वो एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद अपन इस वीडियो को ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये वाली जो गली है, इस वाली गली से अगर जैसे अगर अपन चलेंगे आगे तो इस वाली गली के अंदर जो है वो पीके भागते हुए आते हैं। जब भी जो गाना था ठर की छोकरो उसमें लास्ट में जब भी पीके के पीछे वो लोग तलवार लेके भागते हैं जब पीके किसी दूसरे के माल पे ऐसे बुरी नज़र डालता है, तो वो वाला जो सीन है वो इस वाली गली के अंदर शूट करा गया था। इसी गली के अंदर जो है वो पीके के पीछे वो लोग भागते हैं। तो भागने वाला जो सीन है वो 2 तरीके से दिखाया गया था। तो सबसे पहला जो एंगल था वो यहाँ से दिखाया गया था जिसमें आपको ये जो सामने वाली जो दुकानें आप देख सकते हो इसके जो शटर हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। पहले अपन पीछे वाला देख लेते हैं क्योंकि आगे एक मूवी और है वो भी मैं आपको दिखाता चलूँगा। तो आप देख सकते हो एक इस वाली जगह के ऊपर कुछ ऐसे दिखाया गया था और इसी जगह के ऊपर जो है वो बजरंगी भाईजान के अंदर जो चांद नवाब का जो दोस्त होते हैं वो साइकिल लेके भागते हैं, वो वाला जो सीन है वो शूट करा गया था। तो आप दोनों सीन देख लीजिएगा, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे तो आप मैच करके देख लीजिएगा। और बताना चाहूँगा इतनी सारी फिल्मों की शूटिंग मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ तो सीधी सी बात है हर चीज़ मैं आपको कंपेरिजन करके नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बाद में वीडियो जो है वो 1 घंटे से भी ऊपर का बन जाएगा और फिर देखेगा कोई नहीं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो मेरा जो मेन जो मुद्दा था वो ये था कि इस गांव की जो है हर एक गली, हर एक मतलब 10 मीटर 20 मीटर में अपन जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे फिल्मों की शूटिंग आती चली जाएगी। तो अभी वापस से जैसे जैसे गली आएगी वैसे वैसे यहाँ पर शूटिंग आएगी। तो यहाँ पर वापस से गली आ गई तो अगर अपन इधर आगे चलेंगे तो वहाँ पर कच्चे धागे मूवी की शूटिंग आ जाएगी और इधर आगे चलेंगे तो इधर भी कुछ जो हैं वो सीन शूट करे गए हैं और इस वाली गली के अंदर भी जो है वो कुछ जो सीन है वो शूट करे गए हैं। तो बताइए कौन सी गली में चलें। तो चलिए इधर ही चल लेते हैं। तो अभी अगली जो मूवी है वो है हाफ़ गर्लफ्रेंड। हाफ़ गर्लफ्रेंड मूवी के अंदर जो है वो गाना ख़त्म होता है जो अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था, उसके बाद जो श्रद्धा कपूर हैं वो चली जाती है। तो उसके बाद जो अर्जुन कपूर जो होते हैं वो उनके पीछे भागते हुए आते हैं, मतलब उनके पीछे भागते हुए जाते हैं। तो वो वाला जो सीन है वो यहाँ सामने शूट करा गया था। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एंगल ऑफ व्यू ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और जैसे ही मैं यहाँ पे आगे निकलूँगा तो यहाँ पर जो है वो सामने मार्केट वाली रोड आ जाएगी और वहाँ पर भी अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो जैसे जैसे मैं आगे आगे चलूँगा वैसे वैसे जो है वो फिल्मों की शूटिंग आती चली जाएगी क्योंकि यहाँ पर इतनी फिल्मों की शूटिंग हुई है मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाली जगह के ऊपर जो वो वाला जो सीन है वो शूट करा गया था जिसमें आपको राइट साइड में ये वाली जो दीवार है वाइट वाली ये देखने को मिलती है। और अभी थोड़ा सा जो रोड है वो तोड़ फोड़ दिया है क्योंकि कुछ काम चालू है। तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, आप मैच करके देख लीजिएगा। दोस्तों जैसे जैसे मैं अभी आगे चलता जाऊँगा वैसे वैसे जो है वो फिल्मों की शूटिंग आती चली जाएगी, लेकिन ये जो वीडियो है वो अभी आई थिंक 20-25 मिनट का बन चुका होगा और इससे बड़ा वीडियो आई थिंक आजकल कोई देखता नहीं है।
तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं और आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इस गांव की जो है वो और वीडियोस देखने हैं। मतलब मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो बनाया था सेम टू सेम, जिसमें मैंने इस गांव की गलियों को कवर करा था और ये हमारा सेकेंड वीडियो है। तो कमेंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तो आप अभी के अभी सबसे पहले कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप इन फ्यूचर ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं। तो मैं आपको ये जो गांव है इसमें ढेर सारी गलियाँ हैं और ढेर सारे वीडियोस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो आज का जो वीडियो है हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।